प्रिय विद्यार्थियों, आरसीआई की ऑनलाइन पाठशाला में आपका स्वागत है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि हरात्मक श्रेणी का पीवा पद Q तथा क्यूवा पद P है, तब इसका P प्लस क्यूवा पद ज्ञात करो। और उसके चार ऑप्शन हैं, 1 upon P plus Q, 1 upon P plus 1 upon Q, और ये है PQ upon P plus Q, और डी ऑप्शन है आपका P plus Q। देखिए, इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कैसे करते हैं, ध्यान देना। ये हरात्मक श्रेणी है, और जिस किसी को भी ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो मान लेना कि उसको हरात्मक श्रेणी कंप्लीट समझ में आ गई है, अदरवाइज ये श्रेणी बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी आपको। अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो इसको आप बहुत अच्छे से 3 से 4 बार वीडियो को देखना, और मैं भी आपको बहुत ही आराम से बता रहा हूँ एक एक चीज। तो देखिए क्या करना है, हरात्मक श्रेणी है, हरात्मक श्रेणी में देखो, यदि हरात्मक श्रेणी का पी वां पद क्यू, यानी कि पी वां पद हो गया एन वां पद, तो यहां पे क्या है, पी वां पद क्या है क्यू, और क्यू वां पद क्या है पी। देखो क्यू वां पद पी है, तो क्यू वां पद क्या है पी, और आपसे पूछा है कि टी पी प्लस क्यू, ये आपको ज्ञात करना है। तो मैंने आपको बताया था कि जब आप हरात्मक श्रेणी के क्वेश्चंस करोगे तो वो हरात्मक श्रेणी से ना हो करके समांतर श्रेणी से होंगे, उल्टा सिस्टम है इसमें। हरात्मक श्रेणी नाम की है, बाकी 80-90% काम किस में होगा, समांतर श्रेणी से ही होगा। तो देखिएगा कैसे करना है, TP इक्वल टू Q, TQ इक्वल टू P और TP प्लस Q फाइंड आउट करना है। तो देखिए मैं बात करता हूं अब समांतर श्रेणी की, समांतर श्रेणी से किस प्रकार से आंसर लाएंगे, देखना ध्यान से। देखो P वां पद क्या होगा, 1 upon P, व्युत्क्रम हो जाएगा ना, व्युत्क्रम बताया था ना, एक श्रेणी हरात्मक श्रेणी कहलाती है यदि इसके पदों का व्युत्क्रम करने पर समांतर श्रेणी प्राप्त हो। तो क्या किया, क्यू का 1 upon Q। आप कई सोच रहे होंगे कि टी 1 upon P क्यों नहीं किया, भाई ये पद है पहला दूसरा तीसरा, ऐसे तो कभी आपने सुना है कि किसी समांतर श्रेणी का 1/5 यानी 1/5 पद याद करो, नहीं है ना, ऐसा नहीं होता। तो आपको इन पर तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपको केवल और केवल जो पीवा क्यूवा आरवा जो भी 10वां 20वां 25वां जो भी पद है उस पर फर्क पड़ने वाला है, इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखिए कहने का मतलब समझे कि टी क्यू है, इसको क्या लिखोगे, 1 upon P, पीवा पद जो हरात्मक श्रेणी में क्यू होता था वो समांतर श्रेणी में कौन सा होगा, 1 upon Q। ऐसे ही जो क्यू पद पी होता था हरात्मक श्रेणी में वो क्या हुआ समांतर श्रेणी में, 1 upon P। और अब आपको क्या ज्ञात करना है, पी प्लस क्यू, ये फाइंड आउट करना है। तो सुनो अब ध्यान से किस प्रकार से ज्ञात करना है बच्चों। सबसे पहले आप क्या मान लो, पी बराबर 1 और क्यू बराबर 2, ये सबसे आसान मेथड होता है। 1 और 2 मानने से आपको प्रथम पद मिल जाता है और सार्वंतर भी मिल जाता है। तो देखिएगा टी और पी की जगह 1 रखो, टी वन और ये क्या आया है, 1 upon 2। देखो पी की जगह 1 रखा तो टी वन, और क्यू की जगह 2 रखा तो 1 upon 2, क्लियर हो गया इतना। ऐसे ही टी और क्यू का वैल्यू क्या है, 2 equal to 1 upon P का वैल्यू 1, तो ये नहीं कि टी 2 equal to क्या हुआ 1। उसके बाद देखो टी पी प्लस क्यू ज्ञात करना है आपको, तो क्या होगा T1 plus 2 और क्या होगा T3। अब देखो आप ध्यान से, अब फॉर्मूले मत लगाओ, डायरेक्ट लिखना सीखो। पहला पद था आधा था, दूसरा पद है 1 है, तो तीसरे पद में क्या होगा, हर बार 1/2 से बढ़ रहा है, यहाँ पर 1/2 1, अब 1 में 1/2 जोड़ो तो क्या आ गया 3/2। अब 3/2 आ गया आपका, मतलब समांतर श्रेणी का P plus Q यानी समांतर श्रेणी का P plus Q वहां पर आपके पास 3/2 आया है। अब इसको किस में चेंज करना है, देखो हरात्मक श्रेणी का P plus Q
वहां पद क्या होगा, टी पी प्लस क्यू, जो समांतर श्रेणी था उसका उल्टा कर दो। दोबारा देखो ध्यान से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए आपने समांतर श्रेणी लिखा, पीवा पद क्यू, क्यूवा पद पी, तो पी प्लस क्यूवा पद याद करना है। अब देखिए हरात्मक श्रेणी से आप किसी भी क्वेश्चन को सोल्व नहीं करते हो, आपको जाना कहाँ है, समांतर श्रेणी में। समांतर श्रेणी से जो उत्तर आए उसको उल्टा कर देंगे, वो किसमें आ जाएगा, हरात्मक श्रेणी में। देखिए ये समांतर श्रेणी आप मान के चलो, ये समांतर श्रेणी, इसको उल्टा किया हरात्मक श्रेणी, फिर इसको उल्टा कर दो, क्या बन गया, वही समांतर श्रेणी कंप्लीट। तो देखिए TP इक्वल टू जो Q था वो 1 अपॉन Q, TQ P था जो क्या बन गया 1 अपॉन P, और ये आपको ज्ञात करना है। अब आपने अपने मन से माने हैं P बराबर 1, Q बराबर 2, आप सोच रहे होंगे कि P बराबर 5 और Q बराबर 6 मान ले, याद रखना ऐसा नहीं मान सकते, क्योंकि आपके पास प्रथम पद नहीं रहेगा, फिर वो पांच और छठा पद निकल जाएंगे, और आपको क्या चाहिए, प्रथम पद। तो देखिए टी वन लिखा तो क्यू का वैल्यू क्या है, टू, तो वन अपॉन टू। ऐसे टी टू लिखा तो वन अपॉन वन क्या आया, वन। अब पहला पद आधा है, आप यहाँ पे भी कर सकते हो ना, पहला पद वन, वन बाई टू, दूसरा वन, तो तीसरा क्या आएगा, थ्री बाई टू, चौथा क्या होगा, फोर, चौथा क्या होगा, टू, फिर फाइव बाई टू, और फिर थ्री, इस तरीके से तो बनेंगे। तो देखिए टी वन आया, टी टू आया, और टी पी प्लस क्यू क्या होगा, वैल्यूज रखो इसमें, टी वन प्लस टू, टी थ्री, टी थ्री किसका आया, थ्री बाई टू, ये देख लो ना, पहला दूसरा और तीसरा क्या है, थ्री बाई टू। अब ये काम किसमें किया है, समांतर श्रेणी में, सवाल किसमें है, हरात्मक श्रेणी में, तो इसको उल्टा कर दो, हरात्मक श्रेणी का पी प्लस क्यू पद क्या होगा, जो वैल्यू यहां से आई उसको आप उल्टा कर दो, क्या है, टू बाई थ्री। अब देखो हमारा इस क्वेश्चन के हिसाब से टू बाई थ्री आंसर है, अब हम ऑप्शन में रख के देखेंगे, जो ऑप्शन हमें टू बाई थ्री आंसर देगा वही अपना करेक्ट है, बाकी सब गलत हो जाएंगे। तो देखिए अब आगे कैसे सोल्व करेंगे, ध्यान से देखो अपने को आंसर क्या लाना है, टू बाई थ्री, इस चीज को ध्यान रखना है। अब देखिए आप, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉम्पिटिशन में बहुत बार आया हुआ है, एनडीए में भी आया है, इस बार आरपीएससी सेकंड ग्रेड के एग्जाम में भी आया था ये क्वेश्चन। देखिए अब ओ ए ऑप्शन देखो, 1 अपॉन p प्लस q, p का वैल्यू क्या है 1, q का क्या है 2, क्या आया 1 बाई 3, गलत हो गया, आपको क्या चाहिए 2 बाई 3। उसके बाद b ऑप्शन देखो, 1 अपॉन p प्लस 1 अपॉन q, क्या है 1 अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन 2, 1 प्लस 1 बाई 2 क्या होगा 3 बाई 2, गलत आंसर, आपको तो 2 बाई 3 चाहिए, केवल मैं p और q के मान रख रहा हूं। ऐसे ही c ऑप्शन देखो, PQ अपॉन P प्लस Q क्या है 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2, क्या आया 2 अपॉन 3, और ये अपना सही आंसर है। आप फोर्थ ऑप्शन भी चेक करके देख लो, फोर्थ ऑप्शन देखो, P प्लस Q क्या आया 1 प्लस 2 क्या हो गया 3, तो हमें 2 बाई 3 कौन से ऑप्शन से मिला, हमें 2 बाई 3 सी ऑप्शन से मिला, इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या है सी। तो कहने का मतलब है इस क्वेश्चन को आपने पढ़ा, पढ़ते ही आपने समांतर श्रेणी में लिखा, समांतर श्रेणी को किस में लिखे गए, दोबारा सुनो, इस क्वेश्चन को आपने हरात्मक श्रेणी में पढ़ा, हरात्मक श्रेणी लिखा, और हरात्मक श्रेणी पढ़ने के बाद किस में गए, समांतर श्रेणी में, समांतर श्रेणी में पूरा क्वेश्चन सोल्व किया, उसको हरात्मक श्रेणी में चेंज किया, और फिर ऑप्शन में देख लिया कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, वही अपना आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या निकल गया, 2 बाई 3। देखिए मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, इसका बी ऑप्शन सही कर देते हैं, क्योंकि वो समांतर श्रेणी को चेंज करना भूल जाते हैं। इस प्रकार से आपको ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, और इस प्रकार से हमने इस क्वेश्चन को सोल्व कर दिया है।